हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ा पोर्ट्रेट मोड में दिख रही हो, तो आप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये naukri.com की प्रोफाइल ऐसी है कि ये फ़ोन से ही रिकॉर्ड होती है। ये अगर ये लैपटॉप वर्जन नहीं है, दैट्स वाई आपको पोर्ट्रेट में ही दिखेगा। अगर पोर्ट्रेट में आपको दिख रहा है लाइक दिस, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ये मेरा आपसे बहुत ही दिली दरख्वास्त है। अब मैं बात कर लेता हूँ ये वैकेंसी किसके लिए आई है, कहाँ से आई है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि जेएसडब्ल्यू जो है वो जिंदल का पार्ट है। इसकी जेएसडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है? जेएसडब्ल्यू की फुल फॉर्म है जिंदल साउथ वेस्ट। वैसे तो ये पैन इंडिया वर्क करता है, बट मेनली जब ये बनाया गया था उसका नाम साउथ और वेस्ट के लिए रखा गया था, इसीलिए इसका नाम फुल जिंदल साउथ वेस्ट है। वैसे तो जिंदल के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती है, बहुत सारी सब्सिडरीज कंपनीज आती हैं, बट इसके अंदर अगर वैकेंसी आई है तो ये बहुत ही अच्छी है, तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। कौन कौन, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, कब कब एलिजिबल है, पूरा डिटेल में बताऊँगा, बायोफिकेट करके बताऊँगा। बस आपसे सभी से एक चीज़ बोलूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको एक और चीज़ बताऊंगा वीडियो के आगे जो आपको काम की रहने वाली है, तो सभी से है अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। दोस्तों वैसे इसमें जो वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि आपको मैं तीन प्रोफाइल के लिए वैकेंसी दिखाऊंगा जो अलग अलग डिपार्टमेंट में आई हुई है जेएसडब्ल्यू के ही। जैसे ये हो गया, दूसरे वाले में कौन एलिजिबल है वो भी बताऊंगा, तीसरे वाले में कौन एलिजिबल है वो भी बताऊंगा, तीनों फ्रेशर्स के लिए है। जी हाँ, तीनों फ्रेशर्स के लिए हैं और ऑल ब्रांचेस एलिजिबल है। अब सबसे पहली वैकेंसी जीएसडब्ल्यू सी1 में LATF सिविल इंजीनियर जीएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड। दोस्तों इसकी पोस्टिंग कहाँ रहने वाली है? ठाणे महाराष्ट्र, डोलवी महाराष्ट्र, पालमपुर महाराष्ट्र में सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है, और ये जो है थर्ड पार्टी पेरोल के थ्रू लिया जा रहा है, CIEL। और ये यहाँ जो आपका सिलेक्शन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और आगे बढ़ के आप यहाँ से जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इनमें डायरेक्टली अप्लाई कैसे करना है, इन्होंने बोला है कि आप या तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और एलिजिबल कौन कौन है, इन्होंने बोला है कि BE BTEC या फिर आपने सिविल डिप्लोमा कर रखा हो सिविल से, आप दोनों ही एलिजिबल है। क्या दोनों ही एलिजिबल है? ध्यान से देखिएगा, दोनों एलिजिबल। अब आप देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको दो है, या तो फिर इसकी ऐप आपके फ़ोन में होगी naukri.com की ऐप, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज आपको यहाँ इन्होंने एक मेल आईडी भी दी है, क्या, shraddha.bhosle@gsw.in, इन पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। विद कवर लेटर अप्लाई कीजिएगा। कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी, दैट मीन्स कवर लेटर। उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कवर लेटर के थ्रू ही अप्लाई कीजिएगा। और CV का फॉर्मेट बहुत ज़्यादा ध्यान से, मैं आपको बताऊं, मैंने 90% स्टूडेंट्स का देखा है कि CV का जो उनका फॉर्मेट है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है। मैंने पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड बना के जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट आउट कर दिया है, उसको जाके ज़रूर देखें, आप ही का बेनिफिट है। अभी एक तो हो गई ये वैकेंसी, एक इसके लिए सिविल वालों के लिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये है कस्टमर्स रिलेशनशिप ऑफिसर बैंगलोर में। दोस्तों इसमें आपका पैकेज रहने वाला है 4.45 लाख पर एनम, और कौन है? फ्रेशर। और क्या मांगा है इन्होंने? इन्होंने मांगा है BE BTEC एनी ब्रांच। दोबारा देख लीजिएगा, BE BTEC एनी ब्रांच, मतलब आपने सिविल से किया है, आपने मैकेनिकल से किया है, आपने इलेक्ट्रिकल से किया है, आपने इलेक्ट्रॉनिक से किया है, आपने CS से किया है, आपने IT से किया है, आपने इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है, आपने केमिकल से किया है, BE BTEC, आप दोनों ही यहाँ एलिजिबल हैं। आप देखेंगे कि इन्होंने जो सैलरी भी रखी है वो रखी है 4.5, तो आपकी सैलरी कुल मिला के कितनी होगी? 40 to 45,000। कहाँ? बैंगलोर के अंदर। इसके साथ साथ यहाँ कौन कौन एलिजिबल, देखिए इन्होंने लिखा है कि 2018 से 2022 बैच तक के पास आउट वाले एलिजिबल है, लेकिन ये फ्रेशर के लिए है, तो यहाँ 2023 वाले भी एलिजिबल होंगे। बस एज क्राइटेरिया दिया है कि आपकी एज 21 से 26 के बीच में ही होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ एलिजिबल हो पाएंगे। इसके साथ साथ इन्होंने बोला है, देखिए इन्होंने एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, BE BTEC इन एनी स्पेशलाइजेशन, मतलब किसी भी ब्रांच से, BCom इन एनी स्पेशलाइजेशन, BCom वाले भी एलिजिबल हैं, BSc इन एनी स्पेशलाइजेशन वो भी एलिजिबल है, BBA BMS इन एनी स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ BTEC वाले भी और एनी ग्रेजुएट भी
एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको मैं और वैकेंसी के बारे में भी बताता हूँ, बात कर लेते हैं इसको अप्लाई करने की। दोस्तों इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको अप्लाई में डायरेक्टली इनकी वेबसाइट इनकी ऐप ओपन करके यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको सबसे पहले लॉगिन या फिर साइन अप या साइन इन करना होगा और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका पॉजिटिवली रिप्लाई कीजिएगा, दैट इज़ गुड फॉर यू। नेक्स्ट है आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में किसमें, JSPL रायगढ़, रायगढ़ के लिए अंदर वैकेंसी आई है, बिल्कुल फ्रेशर 20 वैकेंसी है। और ये किस किस के लिए है दोस्तों, इन्होंने बोला है फ्रेशर जो एनी ग्रेजुएट वाले हैं, किसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में। याद रखिए आपका कोई नोन का पर्सन हो तो उसको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, किसी का भला हो जाएगा। मैं और आप, मैं जैसे ये चैनल चलाता हूँ, मेन काम मेरा हेल्प का पर्पज़ से है, तो आप उसी तरीके से अगर किसी को वीडियो शेयर कर सकते हैं दैट इज़ उसकी हेल्प हो जाएगी। हमारा आपका क्या है दोस्तों, ये किसी का भी हो तो आप ज़रूर उसको शेयर कर दीजिएगा। ये हो गया ग्रेजुएट वालों के लिए। बात कर लेते हैं, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में आपसे बोला कि आपको मेल करनी है कवर लेटर के साथ, किसको मेल करनी है, shraddhabhosle@jsw.in को। कैसे मेल करनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, आप इस मेल को कॉपी करके कवर लेटर पे जाइएगा। कवर लेटर के बारे में बता ही दिया, छोटी सी छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, वो कहाँ मिलेगा, उसका फॉर्मेट बना के मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। तो चलिए चलते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कवर लेटर का, वहां डायरेक्टली जाकर उसको कॉपी कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां से आपको कवर लेटर कॉपी कर लेना है। दोस्तों उसके बाद आना है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, मेरी वेबसाइट पे, हर जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ आके आपको यहाँ ऊपर ही पिन मैसेज का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ आपको रिज्यूम फॉर्मेट भी मिल जाएगा, रिज्यूम फॉर्मेट के साथ साथ जो अगर आप देखेंगे यहाँ आपको कवर लेटर भी मिल जाएगा। कवर लेटर जो होता है अपने आप में क्या चीज़ होती है, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लेना, इसको बोलते हैं कवर लेटर। कवर लेटर का क्या होता है, मैंडेटरी क्या काम होता है दोस्तों, पहले क्या होता था कि आपका सीवी जो है इन हैंड देना पड़ता था, बट आज के टाइम में हर चीज कवर लेटर के साथ, मतलब आपका रिज्यूम बहुत कम बंदे पढ़ते हैं बट कवर लेटर हर एक बंदा पढ़ता है। तो आप जो है इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा और जल्दी से जल्दी, अगर आपके पास दूसरा कवर लेटर है तो आप मेरे से शेयर भी कर सकते हैं, अगर मेरे को अच्छा लगेगा मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर आपका नाम लेके आपको क्रेडिट करके दूंगा उसको। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो कंटेंट है, आपके पास सीवीज है जो है, दुनिया की हेल्प करनी है हमें, तो आप हेल्प जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको आना है उसके बाद मेरे मेल सेक्शन में, या फिर आपको जो आप जो भी आपका मेल सेक्शन है उसमें जाना है, वो कवर लेटर जो कॉपी किया था उसको यहाँ पुटअप कर देना है। देखिए सब्जेक्ट में याद रखिएगा कि आपकी ब्रांचेस कौन सी है, रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। अब डियर सर ऑब्लिक मैम ऐसे, और ये जो है पूरा का पूरा ही बहुत ही अच्छा है, आप डिप्लोमा बीटेक प्लेस ऑफ नेम कॉलेज ये सभी आपको मेंशन कर देना है जो भी वहाँ लिखा है। और इसको आपको जो आपको मेल आईडी मैंने बताई वहाँ जो मैं वीडियो बता रहा था उसमें जो मेल आईडी बताई है उसको आपको टू में रख के फॉरवर्ड कर देना है। किसके पास भेज देना है, उसके पास भेज देना है जो आपको मेल आईडी दी है। याद रखिएगा इसके साथ साथ अपना सीवी मतलब अपना बायोडाटा या फिर कोई भी अपना डेट, वो सारा आपको अपलोड कर देना है। किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम होती है आई एम ऑलवेज विद यू। बट आपसे एक और चीज की रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मॉनिस्टर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है उस पर जल्दी से जल्दी मॉनिस्टर ऐप को डाउनलोड कर दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मॉनिस्टर का मिल जाएगा। तो ये थी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।